चंद्रा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में मैं आशीष सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्त, आपका बहुप्रतीक्षित टीजीटी आर्ट आज यहां पे हम लेक्चर नंबर मूलतः वन ओवरहॉलिंग दो के साथ पुनः मुलाकात करते हैं। आज हमारी आपकी बातचीत की जाएगी, वास्तव में कला किसे कहते हैं, किन 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 विद्वानों ने कला को किस रूप से देखा, उन्होंने समाज की दृष्टि में कला का क्या स्थान दिया, और इसी के साथ आज देखेंगे कला के रूप के बारे में। आइए दोस्त यहाँ पे बातचीत करते हैं। सबसे पहले कला क्या कहते हैं, किताबें पढ़ते हैं बहुत सारी बातें मिलती हैं और हम उन्हीं बातों में उलझते चले जाते हैं और एग्जाम के बिंदु से हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या पकड़ें क्या छोड़ें। आइए हम यहाँ पे बातचीत करेंगे सिर्फ उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्व रखती हैं, क्योंकि एक टीचर की आवश्यकता साहब आपको इसलिए पड़ती है कि वह कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक प्रश्नों का समावेश कराए। अगर एक पोथी पढ़नी है तो साहब क्यों ना एक किताब का सहारा लिया जाए। तो आइए इस संक्षिप्त मैटर और आपको एकदम सटीक जानकारियों के साथ लेकर के चलते हैं इस लेक्चर की ओर। यहां पे हम बातचीत करेंगे सबसे पहला कि कला का अर्थ क्या है। तो सीधी सी एक लाइन में कि जब हम किसी कार्य को पूरी तन्मयता, पूरी निपुणता, पूरी इच्छा शक्ति के साथ करते हैं, वह हमारा कला कहलाता है। किसी कार्य को पूरी कुशलता के साथ, पूरी तन्मयता के साथ, मतलब जिस काम को हम अपना 100% लगा करके करते हैं, वास्तव में वही कला कहलाता है। पहली लाइन यही कहती है, किसी कार्य को पूरी कुशलता या निपुणता से करना ही हमारा क्या कहलाएगा, कला कहलाएगा। जैसे मूर्ति बनाना, एक मूर्तिकार दिल लगा करके पूरी निष्ठा के साथ पत्थर को आकार प्रदान करता है ताकि उसके द्वारा निर्मित की गई आकृति औरों को दिल से भाए, उसका किया गया यह मूर्ति बनाने का कार्य क्या कहलाएगा, कला कहलाएगा। और उदाहरण ले लेते हैं, चित्र बनाना। चित्र बनाते समय चित्रकार के मन में ये भाव रहता है कि हमारा चित्र मानस पटल पर छाया बनाने वाली हो, सामने वाले को सीधे सीधे हृदय पे उसको भाने वाली हो, और वह अपना पूरी पूरा पूरा निष्ठा लगा करके चित्र का निर्माण किया, चित्र बनाना कला कहलाया। आगे बढ़ते हैं, भवन बनाना। प्रत्येक राजगीर, प्रत्येक भवन बनाने वाला वह कलाकार वह प्रयास करता है कि अगर हम अपने स्वतंत्रता के साथ भवन का निर्माण कर रहे हों तो हम दुनिया की सबसे अनोखी भवन का निर्माण करें, अर्थात जिस जो किसी ने न बनाया हो वह बेहतर रूप देने का कार्य करता है, भवन बनाना कला कहलाएगा। गीत बनाना, प्रत्येक जो लेखक होता है गीत को लिखने वाला, वह यह सोचता है, वह इस सोच के साथ गीत का निर्माण करता है कि हमारे द्वारा बोली मतलब निर्मित की गई लाइनें जब स्वर और भावों के द्वारा प्रकट हों तो ये सामने वाले के हृदय को झकझोर करके रख दे, उसके भाव भंगिमाओं में हिलेरे लेने लगे, उसका किया गया यह 100% कार्य कला कहलाएगा। तो साहब कला क्या है, एकदम अब तो स्पष्ट होना चाहिए, वास्तव में किसी कार्य का हमारी इच्छा भावनाओं के द्वारा सक्रिय रूप से किया गया 100% कार्य ही कला कहना है। आइए साहब कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्व रखते हैं कि कला का पहली बार प्रयोग कहाँ पे किया गया था। बड़े स्पष्ट से लाइनों में कि कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हमारे महत्वपूर्ण या पवित्र पुस्तक हमारे गीता के ऋग्वेद में किया गया था, अर्थात यह ऋग्वेद में इसका सबसे पहली बार वर्णन किया गया। आगे प्रश्न पूछता है कि कला शब्द जो है, शब्द कला की हम बात करते हैं कि किस भाषा से बना हुआ शब्द है, बड़ी आसान सी देवभाणी की भाषा कहलाती है, वह हमारा संस्कृत शब्द है। तो कला शब्द का मूलतः किस भाषा से बना है, तो यह संस्कृत भाषा से बना है। जैसे ही हमें यह पता चला कि संस्कृत से बना है, तुरंत दिमाग में विचार आया किस धातु से बना है। तो अगर हम धातु की बात करते हैं तो ये कहलाता है कल धातु से, अर्थात कल में हलंत लगा देंगे, कल धातु से बनता है। तो जब कल पता चला तुरंत दिमाग में विचार आया कल का मतलब होता क्या है। तो साहब देखिएगा,
प्रेरित करना मतलब सामने वाले को उत्सुक करना या सामने वाले को प्रसन्न करना ही क्या कहलाएगा, कला कहलाता है। तो इस कल धातु, संस्कृत के कल धातु में कला क्या है कि ये सामने वाले को उत्सुक कर रहा हो, सामने वाले को प्रेरित कर रहा हो, क्रियाशील कर रहा हो, और यह कार्य जब प्रसन्नता के साथ होता है तो वह हमारा शाब्दिक अर्थों में कला कहलाता है। कुछ महत्वपूर्ण विद्वानों की परिभाषा देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आइए बात करते हैं हम सबसे पहले प्लेटो साहब की ओर। प्लेटो साहब ने बड़े स्पष्ट शब्दों में अपनी बात बहुत छोटे सूक्ष्म रूप से और बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि सत्य की अनुकृति ही कला है, अर्थात सत्य को किसी मानस पटल पर दर्शाना, मानस पटल पर लेकर के आना ही हमारा क्या है, कला कहलाता है। तो प्लेटो साहब ने कला को सीधी सी बात कही, प्लेटो साहब ने कला को सीधे शब्दों में वर्णन किया। कला क्या है, कला मूलतः सत्य का एक दूसरा उभरा हुआ रूप कला है। बात करते हैं हम अरस्तु साहब की। अरस्तु साहब ने क्या कहा, अरस्तु साहब ने कहा कला प्रकृति का अनुकरण है, अर्थात जिस प्रकार प्रकृति मनोरम है, सुंदर दिखती है, उसी सुंदरता, उसी प्रसन्नता, उसी एक भाव भंगिमा वाले रूप का हम जब आकृति में प्रदर्शन करते हैं वह हमारा कला कहलाता है। फ्रायड की बात करते हैं, मनोविश्लेषणवादी फ्रायड की। फ्रायड साहब ने क्या कहा कि कला क्या है, ये दमित वासनाओं का उभरा रूप है। इन्होंने बहुत बड़ी बात कही, इन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति के दिन प्रतिदिन में जो इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती हैं, उनकी बहुत सारी भावनाएं पूरी नहीं हो पाती, वो कभी खत्म नहीं होती, बल्कि जैसे कि हम अगर बात करें दिन प्रतिदिन में हमको हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी भावनाएं, ऐसी इच्छाएं उत्पन्न होती हैं जिसको दिन प्रतिदिन के जीवन में पूरा नहीं किया जा सकता। तो ऐसे हमारे सोच, ऐसे विचार कभी खत्म नहीं होते हैं बल्कि हमारे अंदर दबे रहते हैं, और जब उसके अनुकूल माहौल मिलता है तो वो विचार वापस चले आते हैं। फ्रायड साहब वही बात कर रहे हैं कि दमित वासना मतलब हमारा जो दमित भाव है उसी का उभरा हुआ रूप है। तो नेक्स्ट क्रम पे अगर हम बात करते हैं हीगेल साहब की, इन्होंने कहा कि आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है। आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम क्या है, प्राचीन समय में जो भौतिक सत्ता, वो प्राचीन काल जो का जो हमारी कलाकृति चली आ रही, उसी को प्रस्तुत करना, उसी का वर्णन करना, उसी को दर्शाना ही हमारा हीगेल के अनुसार क्या है, कला कहलाएगा। आगे आते हैं साहब, बहुत ही महत्वपूर्ण हस्ती की बात करेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर की। रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, मतलब अपनी अभिव्यक्ति मतलब स्वयं का प्रदर्शन ही कला है। यह बात किसने कहा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने अभिव्यक्ति को कला कहा, तो किसने कहा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा। भौतिक सत्ता को व्यक्त करने के माध्यम के रूप में कला का वर्णन किसने किया, तो बात किया हीगेल ने। दमित वासनाओं को कला के रूप में किसने देखा, फ्रायड ने। प्रकृति का अनुकरण करता या प्रकृति का अनुकरण ही कला है किसने माना, अरस्तु ने। सत्य की अनुकृति के रूप में कला का वर्णन किसने किया है, प्लेटो ने। आगे बात करते हैं मैथिली शरण गुप्त की, तो इन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की कुशलता शक्ति ही तो कला है जो अपूर्ण कला की पूर्ति करता है, मतलब किसी भी कार्य व्यवहार की अपूर्णता को पूर्णता में बदलना, किसी भी कार्य व्यवहार की अपूर्णता को पूर्णता में बदलना ही हमारा क्या है, कला है। और ये बात किसने कहा, मैथिली शरण गुप्तम ने। आइए साहब आगे की ओर आते हैं और यहाँ पे देखते हैं कला का वर्गीकरण। कला के वर्गीकरण की जब हम बात करेंगे तो बड़े सामान्य शब्दों में कला का वर्गीकरण दो भागों में किया जाता है, एक है उपयोगी कला, दूसरा है ललित कला। अगर हम उपयोगी कला की बात करें तो
एक सामान्य सी लाइन बहुत स्पष्ट सी कि वह कला जो जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है वह उपयोगी कला कहलाता है। मतलब जो हमारे जीवन जीने के लिए हमारी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति कर दे सा वही हमारा उपयोगी, उपयोगी मतलब हमारे उपयोग में आने वाला कला। तो जो हमारे उपयोग में आता है मतलब जो हमारे लिए सहायक होता है वो हमारे लिए उपयोगी है। तो हमारे जो जीवन में सहायक सिद्ध हो, जो हमारे जीवन में हमारे जीवन जीने में हमारी मदद करता हो वह हमारा उपयोगी कला कला। जैसे कुछ लोग रोजगार खोले होते हैं आभूषण निर्माण का, वो उनकी रोजी रोटी का सवाल होता है। कुछ लोग रंगाई करते हैं, कुछ लोग छपाई करते हैं, कुछ लोग बढ़ई गिरी करते हैं और इससे उनकी आजीविका चलती, उनकी आवश्यकता की पूर्ति होती, क्या कहलाएगी? उपयोगी कला कहलाएगी। आगे आइए साहब, ललित कला। ललित कला क्या है? एकदम स्पष्ट सी लाइन कि यह मानसिक या आत्मिक आनंद प्रदान करती है, अर्थात यह हमें मूल रूप से मानसिक रूप से, एक शब्द प्रयोग करूंगा कि वह कला जो मनुष्य को संतुष्टि प्रदान करती है, जो मनुष्य को खुश करने का कार्य करती है, जो मनुष्य को संतुष्टि का मतलब सीधा सा मतलब है कि जो हमें आत्मिक आनंद प्रदान करे, जिसको देख करके खुश हो जाए हम, वह हमारा ललित कला कहलाएगा। जैसे बात करेंगे ललित कला पांच प्रकार की होती है। नंबर एक पे चित्रकला। चित्रकला वह कला है जो मनोभाव और विचार को स्पष्ट करने में सक्षम होती है, अर्थात चित्रकला के माध्यम से एक कलाकार अपने विचार और यहाँ पे मनोभाव को स्पष्ट करता है और उसका आधार होता है वह रंग का प्रयोग करता है और ब्रश का। तो कला बनाने में इसका जो आधार होगा रंग व ब्रश होगा। प्रश्न है कि किस कला का आधार मुख्य रूप से रंग और ब्रश होता है? तो चित्रकला। मनोभाव और विचार का प्रदर्शन किस कला में किया जाता है? चित्रकला। आगे आते हैं, हम मूर्ति कला की बात करते हैं। इसके अंतर्गत वस्तु का रूप, रंग, आकार इत्यादि निर्मित किया जाता है। जैसे पाषाण काल के हमारे अवशेष, पत्थर के बड़े बड़े औजार, मूर्तियां इत्यादि हमारा मूर्ति कला का प्रमुख रूप से उदाहरण है। आगे बात करते हैं वास्तु कला की। वास्तु शब्द ही जुड़ा हुआ भवन की ओर, क्या भवन निर्माण, चर्च, मंदिर, मस्जिद, इस प्रकार के अवशेषों का निर्माण या इस प्रकार की कलाकृतियों का प्रदर्शन वास्तु कला कहलाता है। प्रश्न है कि दीवारों के माध्यम से आकृति को सजा करके एक आश्रय का निर्माण करना क्या कहलाएगा? वास्तुकला कहलाएगा। जिसका सीधा सा उदाहरण भवन, चर्च, मंदिर, मस्जिद इत्यादि। तो साहब हमने यहाँ पे बात किया वास्तुकला का, इसका आधार क्या होता है? चूना तथा मिट्टी के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। प्रश्न है कि किस कला का आधार चूना तथा मिट्टी होता है? साहब वास्तुकला का। नेक्स्ट क्रम पे बात करेंगे संगीत का, और संगीत का सीधा तात्पर्य भाव और हृदय स्पर्शी विचारों के माध्यम से यहाँ पे कला का प्रदर्शन करना, जिसका आधार स्वर तथा नाद होता है। अर्थात जब हम कहते हैं आ करके हम जब चीजों को शुरू करते हैं तो ये हमारा स्वर और नाद, नाद का मतलब हमारे भाव भंगिमाओं के स्वरों के माध्यम से अभिव्यक्ति। पांचवें नंबर पे हम देखेंगे काव्य कला। काव्य कला क्या होता है? कि जब हम स्वर और व्यंजन का प्रयोग करके कला का प्रदर्शन करते हैं तो यह हमारा काव्य कला कहलाता है, जिसका सीधा सीधा आधार शब्द तथा अर्थ होते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न है कि शब्द और अर्थ के माध्यम से किस प्रकार की कला का निर्माण किया जाता है? तो काव्य कला कहलाएगी। तो दोस्तों आज महत्वपूर्ण रूप से हमने बातचीत किया TGT कला के लेक्चर नंबर 2 पर, जहाँ पे हमने अर्थ परिभाषा सहित वर्गीकरण पर यहाँ पे विशेष ध्यान दिया। इसके सिलेबस के नेक्स्ट पार्ट के साथ पुनः मुलाकात करते हैं। थैंक यू।